गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज के भौतिक शास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। हम बीएससी पार्ट सेकंड के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे थे, उनमें आपके दो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है वो हो चुके हैं। उसके बाद अपन सब्जेक्ट पे आते हैं और फर्स्ट यूनिट से पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑप्टिक्स है और उसके बारे में जो मूलभूत बातें हैं वो कौन कौन सी हैं और कैसे हम इन चीज़ों का आगे की जो यूनिट्स हैं उनमें अध्ययन करेंगे वन बाई वन। ठीक है, हमने कल बताया था कि जो ऑप्टिक्स है वो बहुत सारी जगह यूज होती है आपके दैनिक लाइफ में, आपने देखा होगा दैनिक जीवन में बहुत जगह यूज होता है उसका। और कल हम इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और स्कैटरिंग तक ही समझा पाए थे। उसके अलावा जो ऑप्टिक्स है, कल का मतलब लास्ट लेक्चर, जो ऑप्टिक्स है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में भी बहुत यूज होती है। जैसा आप बता रहे हो कि जो मोबाइल फोन्स आपके हैं इनका जो ट्रांसमिशन है, वेव कम्युनिकेशन है, वो वेव कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू किया जाता है और उन ऑप्टिकल फाइबर्स में जो संकेत होते हैं वो संकेत प्रकाश संकेतों के रूप में प्रोपोगेट करते हैं, उनको फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके और रिसीवर तक और अगले रिसीवर तक वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है। इसी तरह से वापसी संकेत वो भी ऑप्टिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में। इसके अलावा होलोग्राफी एक बहुत अच्छा उपयोग है ऑप्टिक्स में। इसके अलावा लेजर लाइट्स का मेडिकल साइंस में भी बहुत उपयोग था, आपको बताया था। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे उपयोग हैं, डिफेंस में भी बहुत सारे उपयोग हैं और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ऑप्टिक्स की बात कर रहे थे तो हम बता रहे थे कि जो भी हम देखते हैं साइंटिफिक तरीके से लाइट का प्रोपोगेशन, उसकी मैटर के साथ इंटरेक्शन, इन सब का जो अध्ययन है वो जिस ब्रांच में किया जाता है फिजिक्स का वो ऑप्टिक्स कहलाती है। सामान्यतः है ये जो ऑप्टिक्स है इसको तीन डिफरेंट तरीके से अपन अप्रोच करते हैं। पहली जो अप्रोच है इसको समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए भौतिक घटनाओं को, पहली है रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको सामान्यतः ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। दूसरी जो स्थिति है वो है वेव ऑप्टिक्स, इसको सामान्यतः फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। और थर्ड है क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, तो इन तीन डिफरेंट डायमेंशंस में हम इन ऑप्टिक्स को समझते हैं। तो रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें प्रकाश जो है उसका प्रोपोगेशन है वो रेज की फॉर्म में माना जाता है। इसके फॉर्म में माना जाता है रेज की फॉर्म में माना जाता है, किरणों की तरह। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि प्रकाश है वो किरणों के रूप में प्रोपोगेट करता है, यानी सिंपल जो प्रकाश का प्रोपोगेशन है वो किरणों के पुंज के रूप में दिखाया जाता है। हमने एक किरण ली है, सामान्यतः किरण पुंज के रूप में होता है, इसके रूप में किरण पुंज के रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से प्रोपोगेट करता है प्रकाश इस फिनोमिना। और हम ये कहते हैं कि ये जो किरण है ये प्रकाश का जो प्रोपोगेशन है उसको एक्सप्लेन कर रही है। और साथ में जो तीर का निशान अपने लगा रखा है, ये तीर का निशान ऊर्जा प्रवाह को बताता है, इसको बताता है ऊर्जा प्रवाह को बताता है। ठीक है, कि प्रकाश तरंग के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमने पहले भी फर्स्ट क्लास में इनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश किरणें हैं या जो प्रकाश प्रोपोगेट करता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में प्रोपोगेट करता है, इसको मीडियम की भी जरूरत नहीं होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो अपने प्लेन में वेरिएशन के साथ आगे प्रोपोगेट करता है। इसका एनर्जी फ्लो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और ये उस एनर्जी फ्लो को ही बताता ही है। ठीक है, ये रे ऑप्टिक्स मोस्टली कहाँ अप्लीकेबल होती है, हम कहते हैं कि जब कुछ घटनाएं होती है प्रकाश की उनको समझाने के लिए, तो सिंपलेस्ट तरीका अपन लेते हैं परावर्तन अपवर्तन इनको समझाने के लिए, तब ये घटना काम में आती है रे ऑप्टिक्स वाले। क्योंकि रे ऑप्टिक्स में हम क्या काम करते हैं, जब प्रकाश को हम वेव के फॉर्म में मानते हैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, तो वेव प्रोपोगेट करती है तो उसकी एक वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्ध्य होगी। और दैनिक जीवन में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनके साथ जो रेज है या प्रकाश है जिनके साथ इंटरेक्शन करेगा, तो ये जो वेवलेंथ है इसका मान बहुत कम होगा उस ऑब्स्टिकल की डायमेंशन से। यानी जिस भी चीज के साथ प्रकाश का इंटरेक्शन हो रहा है, चाहे किसी मीडियम के साथ हो, चाहे किसी सरफेस के साथ हो, ठीक है, या किसी दो मीडियम के इंटरफेस के साथ हो, तो वो जो डायमेंशन है वो डायमेंशन अगर जो प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी वेवलेंथ से बहुत ज्यादा है उस डायमेंशन में, तो इस कंडीशन में जो वेव एस्पेक्ट है प्रकाश का वो काम नहीं करता, प्रॉपरली काम नहीं करता। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन में अपन एक सिंपल रे मान लेते हैं प्रकाश को, और इस रे मान करके अपन क्या करते हैं, चीजों का एक्सप्लेनेशन करते हैं। और इस कंडीशन में अपन रे मानने के बाद जो घटनाएं होती हैं उनमें कौन कौन सी होती है इस रे ऑप्टिक्स की सहायता से एक्सप्लेन करने वाली,
पहली तो अपने पास है प्रकाश का परावर्तन। बहुत सिंपलेस्ट तरीके से ऑप्टिक्स से अपने एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है अपवर्तन। और तीसरा आपके पास है डिस्पर्शन। ठीक है, तीसरा आप इसमें डिस्पर्शन एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, अब देखो अपन कह रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स में अपन एक्सप्लेनेशन दे दिया इसके बारे में। ठीक है, और इस रे ऑप्टिक्स में क्या होता है, प्रकाश के जो अलग फिनोमिनाज होते हैं उनका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता इसके साथ। कौन कौन से फिनोमिना जिसमें वेव एस्पेक्ट्स काम आता है ऑप्टिक्स का, यानी प्रकाश को अगर अपन तरंगों के रूप में मानते हैं, यानी इस कंडीशन में जब प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ऑर्डर ऑफ किसकी होती है, डी इस ऑर्डर की होती है, तो उस स्थिति में प्रकाश का जो दूसरा एस्पेक्ट है वेव एस्पेक्ट को काम में आता है, यानी प्रकाश को अपन वेव्स की फॉर्म में अपन एक्सप्लेन करते हैं। और इस कंडीशन में प्रकाश इनके अलावा भी और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाता है, आपको दिखाता है बहुत सारे प्रारूप भी, जिनको अपन क्या कहते हैं, व्यतिकरण है। अगला क्या है, विवर्तन है। ठीक है, अगला है ध्रुवण है। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं इस वेव ऑप्टिक्स में अपन एक्सप्लेन करते हैं। जब प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो ऑप्टिकल, यानी जो भी आपने सामने ऑप्टिकल लिया है, अवरोध लिया है, या जिसकी जिसके साथ आप प्रकाश की इंटरेक्शन करवा रहे हो, अनुक्रिया करवा रहे हो, उन दोनों की डायमेंशन जब लगभग सेम होती है तो उस कंडीशन में प्रकाश अलग अलग फिनोमिना दिखाता है। कौन से, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं वो शो करता है। और इन सारी घटनाओं का जो वर्णन अपने करते हैं वो किसमें करते हैं, वेव ऑप्टिक्स में करते हैं। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश को एक्सप्लेन किया जाता है, प्रोपगेट करता हुआ बताया जाता है। और तीसरी घटना क्या आती है, क्वांटम ऑप्टिक्स आती है। जो हायर स्टडीज में आप पढ़ोगे क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या रहता है अपने पास, कि जब प्रकाश प्रोपगेट करता है और उस कंडीशन में उसकी जब इंटेंसिटी का मान बहुत कम होता है, उसकी जो तीव्रता है वो बहुत कम होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो प्रकाश किरणें हैं इनको छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में अपन मान सकते हैं। ठीक है, और उन पैकेट्स को क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और क्वांटा की फॉर्म में अपन मानते हैं तो प्रत्येक क्वांटा की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, E बराबर एच न्यू होती है, या एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वांटम ऑप्टिक्स में अपन एक्सप्लेन करते हैं। और इसमें ये अपन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स वगैरह हैं उनमें ये एस्पेक्ट काम में लेते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, जो लाइट प्रोपोगेट हो रही है, लाइट जो इंसिडेंट हो रही है किसी पर्टिकुलर साइट पर, तो वहां अपन काउंट भी कर सकते हैं। अगर बहुत कम इंटेंसिटी है तो उस कंडीशन में उसको फोटॉन्स की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन क्या कंसिडर करते हैं, क्वांटम ऑप्टिक्स कंसिडर करते हैं। लेजर लाइट वगैरह एक्सप्लेनेशन है, ये सारी घटनाएं इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे तीन एक्सपर्ट से अपने पास, और तीनों फॉर्म में अपन प्रकाश को दिखाते कैसे हैं वो अपन अभी देखते हैं। रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका प्रोपोगेशन, लाइट का प्रोपोगेशन देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपन इसको समझते हैं। रे ऑप्टिक्स को एक्सप्लेन, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेज। रेज का मतलब किरणों के द्वारा अपन इसमें लाइट का प्रोपोगेशन और रिप्रेजेंट करते हैं किरणों, और किरणों के द्वारा नहीं, बंच ऑफ रेज। सिंपल अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बंच ऑफ रेज से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, और होमोजेनियस मीडियम में अपन कहते हैं कि प्रकाश का प्रोपोगेशन जब रेज की फॉर्म में होता है, सिंपल एक रे अपन एक्सप्लेन करते हैं, ये वास्तव में एक सिंपल रेज है ना, और करके बंच ऑफ रे होता है, गुच्छा होता है रेज। ठीक है, बंच ऑफ रेज है। सिंपल तौर से अपन देखो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपल तौर से बंच ऑफ रेज इस प्रकार से निकलती है, आपने देखा होगा लगभग सामने का जो एरिया होता है उससे फैलती हुई अपनी वास्तविक रेज आती है। ठीक है, सामने के डायरेक्शन में बंच निकलता है। इस तरह से अपन रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं किसका, एक सिंपल टॉर्च का जो सामने की लाइट है उसका रेज के फॉर्म में दिखा सकते हैं। सिंपल जो अपने पास मोनोक्रोमेटिक और यूनिडायरेक्शनल जो नया ऑब्जेक्ट होता है लेजर, उस लेजर की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, बंच ऑफ रेज को देखो प्रकार से एक्सप्लेन कर सकता है। लेजर क्या करता है, एक तरह से जो लाइट एमिटिंग है लेजर की वो यूनिडायरेक्शनल होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। तो इस कंडीशन में मोनोक्रोमेटिक एक ही कलर की और बहुत ही पास पास एक ही दिशा में जाती हुई लाइट होती है, उसको अपन ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बंच ऑफ रेज की सहायता से। तीसरा जो रिप्रेजेंटेशन एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर बने सन का, सन की लाइट्स को अपन क्या इन रेज की सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
इन तीनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि लाइट जिस भी सोर्स से एमिट हो रही है उस सोर्स से एमिट होने के पश्चात लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पाथ को सेलेक्ट करती है और उसको प्रोपोगेट करती है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली क्या कहते हैं, कोई भी जो होमोजीनियस मीडियम है, समांगी माध्यम जिसको अपन कहते हैं, होमोजीनियस मीडियम का मतलब क्या होता है, समांगी माध्यम, ठीक है, समांगी माध्यम होता है अपने पास, उसमें लाइट का जो रेज है, लाइट की जो रेज है उनका जो पाथ होता है वो कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सिंपल अपन इसको सिमेट्री की सहायता से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे करते हैं सिमेट्री की सहायता से एक्सप्लेन, कि अपन यूं कहें कि सपोज कुछ को मीडियम ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ इस पेन को ले रहा हूँ, इसके इधर जाऊँ तो भी मीडियम सेम वैसे ही, उसका मीडियम का जो रिप्रेजेंटेशन है सेम, इधर भी ऐसा ही, इधर 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 इधर, यानी स्ट्रोक के चारों तरफ ऊपर नीचे जिधर भी मैं जाऊँगा तो जो मीडियम है वो सिमिलर रहता है, ठीक है, उसका जो वेरिएशन सिमिलर है, होमोजीनियस मीडियम एक जैसा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं एक बात कहूं आपको कि अगर मीडियम होमोजेनियस है और मैं चौक को इसको अगर गिराता हूं, सपोज फोर्स नीचे की ओर इस पे लग रहा है, तो इस कंडीशन में अगर नीचे की ओर फोर्स इस पे लग रहा है और मैं इसको गिरा रहा हूं तो ये इधर जाएगी, चौक इधर जाएगी, इधर 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 जाएगी, इधर फोर्स लग रहा है उधर ही जाएगी, लेकिन ऐसे होकर छोड़ी जाएगी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन में जाएगी, क्यों, क्योंकि चारों तरफ का मीडियम क्या है, होमोजेनियस है। इसलिए अपन कहते हैं कि अगर अपने पास कोई सिंपल रे है, सपोज ये रे एमिट हो रही है किसी लाइट सोर्स से, टॉर्च हो, लेजर हो, या सनलाइट किसी से भी, तो हम कह रहे हैं कि अगर मीडियम इधर भी सेम है, इस साइड भी सेम है, उस साइड भी सेम है, ठीक है, और इसका प्रोपोगेशन एनर्जी फ्लो इस डायरेक्शन में, तो एनर्जी फ्लो ऐसे जाएगा या डायरेक्ट ऐसे जाएगा, अगर ऐसे जाता है तो क्यों इधर ही क्यों, इसकी प्रोबेबिलिटी उतनी इधर है, इसकी प्रॉबर्टी इतनी इधर उधर ही, इतनी उधर अंदर की तरफ। इसका मतलब क्या होता है, लाइट हमेशा क्या करती है, होमोजीनियस मीडियम है उसमें जो रेज होती है, लाइट रेज होती है, वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन की पाथ को सेलेक्ट करती है, चूज करती है। इसलिए हम कहते हैं कि होमोजीनियस मीडियम में जो रेज है वो कैसे होती है, रेक्टिलिनियर, ठीक है। इसके अलावा अब अपन एक बात देखेंगे, अपने होमोजीनियस तो बता दिया, अगर मीडियम इनहोमोजीनियस तो क्या लाइट रेज है वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, नहीं, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर मीडियम अपने पास होमोजीनियस नहीं है तो उस कंडीशन में लाइट रे जरूरी कंपलसरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन, ऐसा पथ भी हो सकता है, ठीक है, और कोई सा पथ भी इस तरह से ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मीडियम में वेरिएशन किस टाइप का है, ठीक है, उस वेरिएशन के बेस पर अपन क्या कहते हैं कि लाइट रे है उसका पाथ अपन एक्सप्लेन करते हैं। होमोजीनियस में अपन निकाल के स्ट्रेट लाइन में जाती है, बाकी अगर कोई दूसरा मीडियम है इनहोमोजीनियस मीडियम है तो उसके वेरिएशन के अकॉर्डिंग लाइट क्या करती है, अपने पाथ का सिलेक्शन करती है, वो आगे पढ़ेंगे अपन परमिट्स के प्रिंसिपल से कैसे करती है कैसे नहीं करती है, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स का एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन था। इस रे ऑप्टिक्स रिप्रेजेंटेशन की सहायता से अपन क्या करते हैं, इन रिप्रेजेंटेशन से अपन क्या एक्सप्लेन करते हैं, अपवर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, परावर्तन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिस्पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं तीनों की सहायता से, ठीक है। तीनों रिप्रेजेंटेशन आप सिंपल लाइट और भी कोई लाइट सोर्स से बल्ब ले सकते हो, सन की जगह बल्ब ले सकते हो, उसका भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है चारों तरफ से, ठीक है। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन अपन एक्सप्लेन करते हैं रे ऑप्टिक्स में। नेक्स्ट आती है अपने पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अपन क्या करते हैं, अपने पास जो ऑप्टिक्स में प्रकाश किरणें हैं वो अपने रे ऑप्टिक्स में किरणें बोला इनको। यहाँ मैक्सवेल ने एक्सप्लेन किया कि इनको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और ये प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में गमन करता है, और ये तरंगें कौन सी होती हैं, विद्युत चुंबक की तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम में अपन ने देखा भी था कि जो विजिबल लाइट वाला विंडो था वो इन्हीं का था, ठीक है। इसके अलावा विद्युत चुंबक की तरंगें हैं तो इनको माध्यम की जरूरत नहीं होती, माध्यम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती है और निर्वात में इनका जो वेग होगा वो सी होगा, 3×10^8 m/s, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुआ, वेव ऑप्टिक्स है तो तरंगों के माध्यम से अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं, और ये जो तरंगे होती है वो कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, विद्युत चुंबक की तरंगे होती है, और जो प्रोपोगेशन होता है वो इनका तरंगों के रूप में होता है, इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और एक सिंपल एक तरंग नहीं, तरंगों का बंच ऑफ वेव्स, बंच ऑफ वेव्स होती है। इनका रिप्रेजेंटेशन अपन कैसे करते हैं वो दिखाते हैं आपको।
दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है वेव ऑप्टिक्स वाला, उसमें देखो रिप्रेजेंटेशन किसी टॉर्च के द्वारा जो लाइट एमर्ज होती है वो वेव्स की फॉर्म में इस प्रकार से प्रोपोगेट करती है, एलईडी वेव लाइट आपको दिखती है, और इनको वेव्स की फॉर्म में मान दे तो इस प्रकार से वेव प्रोपोगेट होती है, ठीक है। इस प्रकार लेजर से अपन देखते हैं तो लेजर से भी वेव इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है सपोज, और दोनों में डिफरेंस देखो, सन तीसरा सन के द्वारा एक्सप्लेनेशन अपन दे रहे हैं, तीसरा रिप्रेजेंटेशन कोई और कोई बल्ब हो सकता है यहाँ पर सिंपल, तो यहाँ और यहाँ देखो थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ देखो जो फेस है, ये फेस देखो, फेस डिफरेंस देखो दोनों, ये वाली वेव नीचे वाली वेव जिस फेस में, ऊपर वाले भी सेम फेस में, उससे नीचे वाले भी सेम फेस में, उससे वाले भी सेम फेस में, यानी सभी की जो वेव अपने पास है तरंगे हैं उनकी कला सेम है। इसको अपन क्या कहते हैं, कोहेरेंट कला संबंध, ठीक है। तो अपन कह रहे हैं कि यहां लेजर से जो लाइट एमिट होती है वो वेव्स की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं उनका, तो जो कला संबद्धता गुण है वो उसमें पाया जाता है, यानी इन्हीं जो तरंगे हैं इन तरंगों के बीच का जो फेस डिफरेंस है, कलांतर है, वो या तो जीरो होता है या नियत होता है, कांस्टेंट होता है, किसी भी जगह पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो बंच आपको दिख रहा है वेव का, वेव्स का बंच दिख रहा है, ये कोहेरेंट लाइट सोर्सेस को एक्सप्लेन करता है। इस प्रकार यहाँ देखो जरूरी नहीं कि यहाँ जिस कला की स्थिति में है पार्टिकल दूसरी वेव के लिए यहाँ सेम कला हो, तीसरी के लिए सेम हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कला संबद्धता नहीं है। तो ये सोर्स कौन सा कहलाता है, इनकोहेरेंट, ठीक है, कला असंबद्धता की स्थिति होती है। यानी इसमें क्या होता है, ये सिंपल जो अपने पास लाइट सोर्स होते हैं जैसे सन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, टॉर्च है, इस प्रकार के जो प्रकाश स्रोत है उनसे जो वेव एमिनेट होती है वो वेव्स क्या करती हैं, प्रोपगेट जब करती हैं तो उनमें कला संबद्धता परस्पर नहीं रहती, यानी किन्हीं भी दो वेव्स के बीच में जो कलांतर है वो न तो नियत रहता है और ना ही शून्य होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वो जो वेव्स होती हैं वो कैसी होती है, कला असंबद्ध होती है, इनकोहेरेंट, ठीक है। इस प्रकार का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपन वेव ऑप्टिक्स में करते हैं, और इस वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश की कई फिनोमेना अपन एक्सप्लेन करते हैं, प्रकाश का प्रोडक्शन एक्सप्लेन करते हैं अपन, इसमें इसका उत्पादन कैसे होता है, उत्पादन के अलावा इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कैसा कैसा होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जिसको अपन वैतीकरण कहते हैं, इसके अलावा इसका डिफ्रेक्शन, इसके अलावा पोलराइजेशन, इस प्रकार से होता है प्रकाश का। इन सारी घटनाओं को, इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन से ऑप्टिक्स काम में लेते हैं, वेव ऑप्टिक्स, प्रकाश का तरंगों के रूप में जो प्रोपोगेशन है वो अपन काम में लेते हैं, बहुत अच्छे से इन चीजों को क्या कर पाते हैं, अपन एक्सप्लेन कर पाते हैं, क्योंकि सिंपल एक रे लेंगे तो रे की कंडीशन में दो रेज का अपन सुपरपोजिशन है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो वेव ऑप्टिक्स है उसकी सहायता से इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, पोलराइजेशन, इनको एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ी कठिनाई, मतलब नहीं कर पाते इनको एक्सप्लेन अपन उस कंडीशन में रेज की सहायता से, बल्कि इसका उल्टा जरूर पॉसिबल हो सकता है, अपन रिफ्लेक्शन है उसको वेव ऑप्टिक्स की सहायता से एक्सप्लेन कर पाते हैं, रिफ्रेक्शन उसको भी वेव ऑप्टिक्स से अपन क्या कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन उसका उल्टा नहीं। अब आप ये पूछोगे कि सर वेव ऑप्टिक्स से भी जब अपन रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वेव ऑप्टिक्स की क्या जरूरत पड़ी, वो ईजी फिनोमेना है, अपन सबसे पहले वही अप्लाई करने का प्रयास करते हैं जो सबसे ईजी हो, ठीक है, जिसमें ऑब्स्टिकल्स कम से कम हो, प्रॉब्लम्स कम से कम आए। और रे ऑप्टिक्स में आपने देखा था कि वो फिनोमिना मोस्टली अप्लीकेबल अपन कहाँ करते हैं, एक बाउंड्री कहाँ तय करते हैं कि जो अपने पास जिसके साथ इंटरेक्शन हो रही है लाइट की, उस ऑब्जेक्ट की जो डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई चाहिए, जहां भी हो रही है उसकी इंटरेक्शन, वो डायमेंशन उसकी वेवलेंथ की अपन तुलना करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज्यादा होती है, तब हम प्रकाश का जो वेव वाला फिनोमिना है वो वहां काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी इंटरफेसेस होती है वहां ये वेव ऑप्टिक्स वाला फिनोमेना क्या करते हैं अपन काम में लेते हैं, ठीक है। और इन सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करने में अपन क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स वाला फिनोमेना काम में लेते हैं, ठीक है। प्रकाश को तरंगों के रूप में एक्सप्लेन करते हैं प्रोपगेशन इनका। इसके अलावा थर्ड जो अपने पास तरीका है वो कौन सा है, क्वांटम ऑप्टिक्स, मोर एडवांस तरीका जो अपने पास है कौन सा है, क्वांटम ऑप्टिक्स।
तीसरा अपने पास जो क्वांटम ऑप्टिक्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन बताते हैं कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल फ्लाइंग पॉकेट्स ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स विच ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। मैंने बताया था कि इस कंडीशन में प्रकाश को छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में प्रोपोगेट करता हुआ बताया जाता है, एक्सप्लेन करते हैं अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में। और ये जो एनर्जी पार्टिकल होते हैं, ये एनर्जी पार्टिकल जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में प्रकाश का फ्लो अपन बताते हैं, और इन एनर्जी पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, फोटोन कहते हैं। और निर्वात में इनकी स्पीड कितनी होती है, c के बराबर, c इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, जो प्रकाश के अपन क्या बताते हैं, स्पीड बताते हैं निर्वात में। एनर्जी ऑफ फोटोन सिंपली अपन ने एक्सप्लेन किया था पहले, क्या सी अपॉन लैम्डा एच न्यू के द्वारा दी जाती है सिंगल फोटोन की एनर्जी। अगर आपके पास एक से ज्यादा फोटोन है सपोज, तो e base कितना हो जाएगा, n फोटोन है तो n h। अगर आपको पता हो कि आपके पास n फोटोन है, n नंबर ऑफ फोटोन है, तो उस कंडीशन में अपन कैसे देंगे एनर्जी, बराबर n h से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो आप प्रोपोगेशन है क्वांटम ऑप्टिक्स है, उसमें जो प्रोपोगेशन है वो लाइट का किसकी फॉर्म में माना जाता है, फोटोन की फॉर्म में माना जाता है। छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, एनर्जी ऑप्टिकल एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं। और ये प्रोपोगेट कैसे करते हैं, सिंपल टॉर्च की एक्सप्लेनेशन अपन देखें, टॉर्च से जो लाइट एमिट होती है उससे अपन देखें, बहुत डिम लाइट है तो उसमें एमिशन में फोटोनों के रूप में इसका प्रोपोगेशन देखें तो कैसा होता है, इस टाइप का प्रोपोगेशन होता है। और अगर लेजर लाइट से देखें तो क्या होगा, इस तरह का। ध्यान रखना फोटोन एक ही पाथ का अनुसरण कर रहे हैं, कि जो फोटोन आगे गए उसके जस्ट पीछे उस पाथ पे आने वाला फोटोन उसी लाइन में चलेगा। ये कोहेरेंट सोर्स होता है लेजर, इसलिए ऐसा होता है। सिंपल टॉर्च है अपने पास, सन है या बल्ब है, इस टाइप के जो प्रकाश सोर्सेज होते हैं उनके लिए फोटोन की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, यानी वो एमर्ज होते जाते हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं एमर्ज होते जाते हैं, कोहेरेंट नहीं होते, कहने की बात ये है। ठीक है, लाइट कोहेरेंट नहीं होती, इसलिए फोटोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप से आपको एक्सप्लेन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है क्वांटम ऑप्टिक्स में। सिंपली देखिए क्वांटम ऑप्टिक्स है, इसमें जो फोटोन है फोटोन की एनर्जी अपन देखना चाहें तो कैसे देखते हैं, देखो जरा अपने पास सपोज येलो लाइट है, ऐसा लाइट सोर्स है, येलो लाइट सोर्स है। इस येलो लाइट सोर्स के लिए हम ये देखें कि फोटोनों की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, वो देखो अपन एक्सप्लेन करते हैं। ई बराबर फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, ई बराबर एच न्यू या एस सी अपॉन लैम्डा। सपोज येलो लाइट है, येलो लाइट के लिए वेवलेंथ अराउंड कितनी माने अपन, ₹500 नैनोमीटर टू 600 या 650 नैनोमीटर के आसपास। नॉर्मली एवरेज के तौर पर अपन देख लेते हैं सपोज 600 नैनोमीटर के आसपास है, जो सोडियम लेंथ होता है उसमें लगभग 600 नैनोमीटर के आसपास वेवलेंथ अपन कंसीडर करेंगे। और एच जो अपने पास होता है वो क्या रहता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, 6.6×10⁻¹⁴ जूल्स। सी प्रकाश का वेग है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ पुट करें तो अपने पास कितना मान आएगा, 6.6×10⁻¹⁴ इंटू सी 3×10⁸ अपॉन 600×10⁻¹⁹ कितना आ गया, E इक्वल टू 3.3×10⁻¹⁹ 11 और 8 19 करो, 3.3×10⁻¹⁹ जूल। अगर येलो लाइट अपन इंसिडेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी कितनी होगी इसके फोटोन की, 3.3×10⁻¹⁹ जूल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली अपन एक्सप्लेन करें। और अगर पावर निकालें, सपोज पावर निकालें तो पावर कितनी होगी, पी बराबर एनर्जी टू टाइम, एक सेकेंड में देखें तो कितना होगा, 3.3×10⁻¹⁹ जूल इंटू 1 सेकेंड। कितना होगा, E इक्वल टू 3.3×10⁻¹⁹ वाट जूल सेकेंड।
जो पर सेकंड से जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड क्या होता है वाट, ऊर्जा के प्रवाह की, एकांत समय में कितनी ऊर्जा का फ्लो होता है वो आपको पावर देता है, ठीक है, कितनी पावर है। इसका सिंपल सा एग्जांपल अपन देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने पास 10 टू द पावर 19 फोटॉन्स, अगर फोटो डिटेक्टर पर एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स एक सेकेंड में इंसिडेंट होते हैं किसी फोटो डिटेक्टर पर, तो उस कंडीशन में वहां मेजरेबल जो पावर होती है वो कितनी होती है 3.3 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ फोटॉन्स के लिए पीडेस कितनी होगी, पीडेस 3.3 वाट, 3.3 वाट कितनी लाइट। अब मैं देखो अगर 4 वाट, 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट की जो एलईडी अपने पास आती है उनका मतलब है कि अपने पास अगर 3.3 वाट की एलईडी है, इसका मतलब यह हो रहा है कि उस एलईडी से एमिटेड जो फोटॉन्स है पर सेकंड उनकी संख्या कितनी है 10⁻¹⁹। अगर इसे डबल होते हैं अपने पास यानी 2 × 10⁻¹⁹ होते हैं तो 6.6 वाट हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग लाइट की जो अपने पास एलईडी होती है उनमें वेवलेंथ अलग अलग होती है, उनकी उसकी करस्पॉन्डिंग जो बल्ब होते हैं उनकी पावर का निर्धारण अपन कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अपन क्वांटम ऑप्टिक्स में क्या करते हैं, इन सारी की सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन करते हैं एनर्जी पैकेट्स के रूप में, ठीक है। खास बात क्या, अगर ये पावर बहुत कम है, सपोज इस पावर का मान बहुत कम है, या अपन यूं कहेंगे पर यूनिट एरिया में इंसिडेंट जो अपने पास वेव्स है या लाइट है उसकी वैल्यू बहुत कम है, इंटेंसिटी बहुत कम है, कहने का मतलब, तो उस कंडीशन में अपने पास क्वांटम ऑप्टिक्स वो क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वांटम ऑप्टिक्स का थोड़ा सा पोर्शन अपने पास है, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे। उससे पहले जो वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स अपन ने पढ़ी है वो शुरुआती यूनिट्स में अपने पास आ जाएंगी, उनका एक्सप्लेनेशन अपन देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो कल अपन स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, पहला जो पोर्शन होता है कि जो प्रकाश का प्रोपोगेशन है रे ऑप्टिक्स के रूप में अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में कैसे पढ़ते हैं परावर्तन अपवर्तन और डिस्पर्शन जो अपने पास होता है, इनके जो फॉर्मुलेज हैं, इनकी जो घटनाएं हैं वो कैसे एक्सप्लेन होती हैं वो अपन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं।